बात धीरा धीरे करेजा में भूसे का काम करते हैं, गीत का संकेत देते हैं का ना बच्चिया दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। मोरे राम रे हो, लिखलन कैसे लिखलन मास्टर साहब? क्यों है इंसानियत से भरोसा उठा, क्यों है मानव मानवता का दुश्मन बना, यारी होती है क्या, रिश्ते होते हैं क्या, क्या नहीं चाहिए, क्या हुआ है घना, पुष्प की सेज पर अरमयर थी बनी, लग गया ऐसा गरहन अचानक उम्र में, दाग दामन लगा फिर गले लग गए, लिखते अभी राम सच्चाई है पूरी खबर में, दाग दामन लगा फिर गले लग गई, लिखते अभी राम सच्चाई पूरी खबर में। ए बाबू बतावल गई मास्टर साहब, अगर एक बार कलंक का दाग लग जाला तो कबहू मिटाए वाला नहीं होला, मिटावे मान का नहीं, हर दाग का आसान हो। कपड़ा पे दाग लग जाए तो एरियल सर्फ एक्सल निर्मा ओके लगा के छोड़ा लेबा, लेकिन जब दामन में दाग लग जाए तो ओके छोड़ावल मुश्किल बा। कभी थी गजल का संकेत देलन मास्टर, कौनो प्रेमी और प्रेमिका दोनों आपस में बेपनाह मोहम्मद बेपनाह प्यार करत हो, इन्हीं के मान ले ही कहे यह कहे, अखिया लड़ल बा जब से, अखिया लड़ल बा जब से, दिल में करारी नहीं थे।
बा जब से दिल में करार नहीं थे अखिया गजल के नमूना रहल। लेकिन भाव में हमरे कवि जी बड़ी ऊंची बात लिखत हूं के जमाने में इस जालिम दुनिया में इस जालिम जमाने में इज्जत का गठरी ढोवल कितना मुश्किल हो गई है कठिन हो गई लिखल गई का इज्जत का गठरी ढोवल इज्जत का गठरी ढोवल सबसे कठिन भईबा शंका हो का हो शंका समाल दिल में यह कहीं भइल बा यह कहीं भइल गठरी ढोवल सबसे कठिन भइल बा शुरुआत हो गई नज्म के लाइन से मिस्टर साहब बतावल गई कि कैसे किसी के ऊपर विश्वास करे भरोसा करे ये जालिम जमाना स्वार्थी दुनिया जैसे दोस्ती करबा उहे पीठी में छुड़ा मारल चाहेला जेकरे ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करबा वही पीठी में छुरा सबसे पहले मारेला हमरे कवि जी लिखत फोन कहानी का शुरुआत होता का होता करे विश्वास कोई घात कोई करता है करे विश्वास कोई घात कोई करता है फंसाने वाला भी तो दलदल में ही मरता है कलम भी आग भरती है मानस पवित्र इब्राहिम की कहानी टोटल मानस नाम का एक लड़का और एक लड़की जो कि पति और पत्नी के बंधन में बंधे हुए हैं दोनों लड़के का नाम बताया गया मानस लड़की का नाम पवित्रा बताया गया बड़ा सुंदर परिवार है सुखमय परिवार है दोनों का ब्याह हो गई है एक दूसरे के लिए ऊपर जान छिड़कत हुन एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करत हुन लिखल गई मनस पवित्रा संगी साथ फेरा घूम लिया मनस पवित्रा संगी साथ फेरा घूम लिया सुहाग रात में सपनों का माथ छू लिया
विश्वास का परछाई था। नशे की लत से माई बाप के संगे बड़ी बढ़िया जिंदगी व्यतीत होता। मानस पवित्र और माता पिता के साथ में एक छोटा भाई है जिसका नाम आदित्य बताया गया। आदित्य के साथ एक और उनकर दोस्त घर ही में रहा था जमुना के नाम विकास बतावल गई। परिवार के सदस्य के संग एकदम घुल मिल के, पता नहीं है किसी को कि ये भी कहीं बाहर का है, ये समझ में आवे कि घर ही का। लेकिन होता क्या है, माता पिता के संग आदित्य छोटा भाई था, दोस्त विकास जो विश्वास का परछाई था। नशे की लत से तो आदित्य कर जवान रहा, नशे की लत से तो आदित्य कर जवान रहा, साथियों के झड़प में आए दिन परेशान रहा। जान मारन को धमकाया है, बड़ा बढ़िया जिंदगी व्यतीत होता। घरवा में जवन छोट भाई मानस कह आदित्य जेकर नाम बतावल गई हो बाबू, आदित्य नशे का इतनी बड़ी लतों के लगल रहे कि नशा ना मिले तो बौखला जाए। धीरे धीरे नशा में लीन महादित्य इतना कर्जा से तो पा गई रहे कि घर में कोई की खबर नहीं है। दम पे दम फोन आवे, जान मारे का धमकी आवा लगल, कैसे भी कैसे जा करके बाहर ई बतिया के वो हैंडल कह दे, घर तक बात ना आवे। एक दिन आदित्य के 3 साथ थे, ओकर दोस्त घेर के खड़ा हुआ, इधर पवित्रा बाजार गई है, लौट के आवत है, देखा थे कि 3-4 आदमी आदित्य को घेरे खड़े हैं और सब लोग डांट फटकार रहे हैं, कुछ समझ नहीं पावत है पवित्रा। दौड़ करके जाते हैं, दौड़ के जाके करीब में जब पहुंचल है, देखा थे कि ये तो मेरा देवर आदित्य है। सारी बात पूछे लगल कि क्या हुआ है आदित्य, इस तरह से यहां पर क्यों खड़े हो। आदित्य कलश भौजी तू घरे जा, भाभी आप घर पे जाइए, कलश नहीं हम घरे ना जब, बस हमके इतना बतावा कि तू यहाँ काहे बदे खड़ा हुआ और ये लोग के हुन जो इतना तेज तेज तो के डांटत हुआ फटकारत हुआ मारे का धमकी देत हुआ। क्या गुनाह किए हो, कुछ गलती कैला, चोरी कैला। कलश नहीं भाभी, तब क्या हुआ है। तब बताने लगा आदित्य सारी बात अपने भाभी से बताया है कि भाभी मैं आपसे बता रहा हूँ कि नशा का हमके ऐसा लत लगल हो कि हम जब तक नशा हमके ना मिलेला ऐसे लगला हम मर जाए, और नशा का लत हमके इतनी पागल बना देले हो कि हम कर्ज से एकदम ढक आ गए हैं। ए बाबू जो ने समय इतना बतिया वो पवित्रा सुन ले है, जौन 3-4 दोस्त होकर रहन सबको समझाती है कि अपने अपने घर जाइए, आपका जितना पैसा है हम चुका देंगे। देवर को लेकर के घर पे आई है, उन्होंने के समझा बुझा के घरे भेज दिलस, और इधर जाके आदित्य को समझाती है, कहलस सुना पैसा कौड़ी तो हमारी पास नहीं है, लेकिन है दिहल जितनी गहना है यही के ले जाके बेच के बिकिन के जितना पैसा तोहार कर्जा है ओके चुका दा। ए बाबू जितना गहना गुड़िया सब रहे उठा के पवित्रा अपने देवर को आदित्य के हाथ में थमा देलस गहना का पोटरी, और जब थमा देलस तो उस समय भैल का मस्त साहब बिरहा में एक लाइन गीत लगा था। तैयारी कैलस
मलकिन के कॉलेज हो, जल्दी बगन कपड़ा लत्ता पहन के तैयार हो जा, फिट फाट हो जा, बाजार जाए के हो। अब गईल तो तैयारे होत रह गई, मोरा देहर द्वार खाचे थक गई, अब निकली अब निकली। लेकिन वो काहे बदे निकले, मरद पहुंचल मेहरारू से कहता, का कहे का करता रू या भले का करता रू या भले हमके जितनी कर्जा तोहरे कपारे पे तोहरा सर पे लदल है, सब कर्जा चुकता कर देना, किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए घर में। अब वो देवर गहना कपोटरी उठा ले लस लेके चलल है, कैसे देवर के जेवरी दिखली, देवर के जेवरी दिखली कर्जा चुकावे के, जिंदगी अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ प्लान बनौल, हनीमून पे जाए के प्लान बने ले, तैयारी भी कर दिलन, चल भी दिलन, निकल भी गई। आज उन्हें समय हनीमून पे निकलल हुए, दोनों पति पत्नी में इतना प्यार है, बेपनाह मोहब्बत जे के कहल जाला। ये कम में देखे के मिलेला मास्टर साहब कि पति और पत्नी के बीच में इतना प्यार हो, लेकिन बेपनाह मोहब्बत है। हनीमून पे निकले हैं, जौना बस में बैठल हुन, वो बस धीरे धीरे एक ढाबा पर पहुँचल। जब ढाबा पे पहुँचल
तो वहीं पर 15-20 मिनट के लिए वह बस रुक गई। सबको ये हुआ कि नाश्ता पानी सब लोग कर ले तब यहाँ से आगे जाएगी, लेकिन होता है उतने समय में मात्र 15-20 मिनट के अंदर होता क्या है, बस यारू कलबा सब लोग नाश्ता में झूठल बा, पवित्र के छोड़ मन सोचे इतना में भगिया फूटल बा, सब लोग बस से उतर गए अपने अपने नाश्ता पानी में, सब लोग जुटल हो क्यों क्यों के देखत नहीं है, ढाबा वाला भी व्यस्त हो गया है, लेकिन यह हर मानस उतर के गईलन कलन मैं अभी आ रहा हूँ नाश्ता लेकर के। तब तक पवित्रा इधर उधर टहल रही है, घूम रही है, वही बीचवा में विकास अपने 3-4 दोस्तन के साथ में गाड़ी लेकर के 4-व्हीलर लेके ढाबा पर आ गल। जब ढाबा पे आ गल तो कलश भाभी क्या कर रही हैं आप, कुछ नहीं देवर बाबू, कलश कुछ नहीं देवर बबुआ, तो हर भैया थोड़ा सा ढाबे पर गए हैं नाश्ता लाने के लिए। अच्छा तो सुनिए ना, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक खेल खेले क्या भैया के साथ, पवित्रा हंस के कलश कवन खेल कहे, ये है कि तनी से तू अखिया सुन के ओझल हो जा, देखा तो के कितना प्यार करलन कैसे खोजलन, ठीक है इतनी सी बात है, लेकिन विकास के दिलवा में कितना बड़ा घात छुपल है पवित्रा नहीं जानत। पवित्रा विकास की बात को मान करके उसके गाड़ी में जाके बैठ गई, और जब गड़िया में बैठल तो भाई का भारी आए हाय रे बाबू, जौने समय विकास गाड़ी में बिठाया है वो समय पवित्रा देखती है कि यही में 3-4 आदमी तो पहले से ही बैठे हुए हैं, ये कौन आंख में चोली है, सवाल करती है विकास से कि अब तो हो गई ना, देखत हुआ ना तार भैया मानस खोजत हुआ, अरे रुको ना भाभी कुछ देर और, कुछ देर और करते करते ए बाबू नशा का दवाई नकिया के हन लगा के सुंघा देलन सर, जौने समय दवाइया सुंघली पवित्रा बेहोश हो गई, बेहोशी हालत में वही गड़िया में बिठा देलन, हथवा पैरवा बांध करके उठा ले गईलन। जब उठा के लेके गई हुन पवित्रा को बिल्कुल होश नहीं है, इधर मानस ढाबे पर लुकी हुई जितनी बसें हैं जितनी गाड़ियां हैं इर्द गिर्द में जितने लोग हैं नाश्ता पताई जे करो था सबके अगल बगल जाके दौड़ के पूछत हुन क्या आप फोटो दिखा के मोबाइल में सबसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इस लड़की को कहीं देखे, लेकिन सब लोग एक ही जवाब दे रहे हैं नहीं देखे, लेकिन होत का हमेशा सब विराह में गीत लगल। अरे सुतला सरी भी गए बाबा के, हो गईले बिघनवा ओसिया के सरी भी गए, ए
लाइन रहल, लेकिन मानस दर बदर खोजते खोजते वह इंसान थक गया। सुबेर से सांझ हो गई, पवित्रा का कहीं कुछ अता पता नहीं है। अब जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मानस पुलिस चौकी में अपने बगल, गुजरात बड़ोदरा के बगल में एक पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी पे जाके पहुंच के FIR दर्ज करवाए हैं। पवित्रा की फोटो दिए हैं दरोगा साहब के, कहने दरोगा साहब आप हमारी पत्नी को कहीं से ढूंढ दीजिए, हम ना जी सकीले कहत हो कैसे। इधर विकास ले जा करके पवित्रा को एक कोठे पर बेचे का तैयारी करत, छटपटा रही है पवित्रा, होश में आई है, मानस को ढूंढ रही है कि हमारे सैया कहाँ हुआ। विकास से पूछ रही है कि हमें कहाँ लेके आए हो, कहत ही का अरे जलिया छरिया झरी झरी असुआ पर से फसली वो मछरिया झर झर असुआ पर से हौसला सिकरिया झरी झरी असुआ पर से बाबू एक अक्ता नाम की कोठे वाली है, उस कोठे वाली के पास में विकास लेके पवित्रा को पहुंचाया है। जो ने समय उस कोठे वाली के पास में लेके गया है, बढ़िया मोट रकम मिलल। जब बढ़िया रकम हाथे में आई लिए तो बिल्कुल सब कुछ भूल गया, रिश्ता नाता भूल के पवित्रा को वहीं पर बेच दिया, छोड़ करके चला आया। इधर मानस पवित्रा के दर बदर खोजत हो, अखता बदी खले मोटा बदले में रकमिया, अखता बदी खले मोटा समय। मानस विकास के सामने रो रहा है कि भाई मेरी पत्नी कहां चली गई, किसी भी तरह ढूंढ के उसको ला दो। लेकिन ये विकास समझावा था कि धीर धरा, कहीं होगी, पवित्रा आ जाएगी। कुछ दिन तक ऐसे ही समझौलस, यार कोठे पर अक्ता रात दिन धंधा करने के लिए मजबूर करने लगी पवित्रा को। ए बाबू ए भैया, आज पवित्रा बिस्याला में, पवित्रा का पवित्रता कैद हो गई, बिरहा शैली में मस्त साहब भाव दिहल गई। अरे बिस्याला के बेदी पर चढ़ गई, बिस्याला के बेदी पर। Oh,
पैसा लेके बेदी पर चढ़ गई, दामन तार तार कर दिया कमीना छेदी, अरे हाँ छेदी, अरे हाँ छेदी। विश्वालय के बेदी पर चढ़ गई, दामन तार तार कर दिया कमीना छेदी, विश्वालय के बेदी पर चढ़ गई। आज पवित्रा का पवित्रता टूट गई हो बाबू, विश्वालय में उसका दामन चूर चूर हो गया। अक्ता नोट गिने थे, कोठे पर तिजोरी भर थी, इधर मानस घरवा दर बदर, इधर उधर रोज पुलिस चौकी, तो घरे तो कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ, बस अड्डे पर जहाँ पर उन्होंने हनीमून मनाने की तैयारी की थी, जाने की तैयारी की थी, वो बस अड्डवा पे बार बार भाग भाग जात हुआ। पता लगाओ देखिए कहीं ना कहीं से पवित्र आएगी, लेकिन होत का है विदेशिया का भाव लगल मास्टर साहब। ए बाबू इधर कोठे पर जितने ग्राहक आ रहे हैं सबसे हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना कर रही है वह पवित्रा, ये साहब बस एक कॉल लगा दा हमारा सैया जी से, हमार बात करा दा। लेकिन हवस के पुजारी सभी जा रहे हैं, अपनी हवस को बुझा करके चले जा रहे हैं। होत का है अरे गहकिन से गोहरिया लगावे घरी घरिया, पौआ पकड़िया सुढ़ा, एकठे गहकिया अकता से कहे बतिया, अकता मरे ली था पड़ सैहा। तमाम ग्राहक जिस्म के भूखे वहां पर अक्ता के कोटे पर आ रहे हैं, पवित्रा के पवित्रता को भंग करके चले जा रहे हैं। सबसे जे आवे जितनी ग्राहक आवे पवित्रा के पास में सबसे हाथ जोड़ के केवल एक ही गुहार कर रही है कि एक बार हमारे सैया जी से बात करा दा। वही में एक ग्राहक ही बतिया अक्ता से बता देलस, जो उन्हें समा अक्ता से बतौले है। अक्ता आती है कमरे में, खींच करके थप्पड़ मारती है पवित्रा को, घसीट के लगल मारे और फोन कर देती है विकास को, क्या करके इसे समझा दो नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। ए बाबू जौने समय विकास उपापी आयल है, ओ समय कैलस का सब कुछ भूल गया, हर रिश्ते नाते को भूल गया, तोड़ दिया सब कुछ, तोड़ के आज पवित्रा के पवित्रता को भंग कर दिया, उसके इज्जत को तार तार कर दिया। और एक बात शेर के जैसन झपट पड़ल पवित्रा के ऊपर, उसके पवित्रता को भंग करके फिर लौटल है मानस के पास में। उधर छानबीन हो था, दरोगा साहब केस में लगे हुए हैं। ढाबे का एक कर्मचारी पुलिस को बताया कि एक औरत बस से उतरी, कार में बैठ करके दो तीन आदमी थे और वह औरत उन लोगों के साथ में चली गई। ए बाबू जोने समय यह हर मानस के साथ में विकास भी सथवाई में गयल है, जब उन्हें समय इतनी बतिया सुनलस, मानस को कहता है विकास कि अरे अबो से भुला जा, अबो से भुला जा। वह औरत नहीं थी, वह एक बच्चलन थी, अच्छा भल की तोरे जिंदगी से उचल गई, केवल तुम्हारी नहीं थी, कईयों मर्दों से उसका नाता था, कईयों मर्दों के साथ में उसका उठना बैठना था। आय हरे बाबू जोने समय इतना बतिया वो मानस सुन ले हो, विकास को चुप करा देता है, चुप हो जा विकास, चुप हो जा, मुझे अपने पवित्रा के ऊपर पूरा विश्वास है, मेरी पवित्रा ऐसा नहीं कर सकती। ए बाबू ओ समय भइल क्या मास्टर साहब बिरहा में गीत लगल, अरे सरंगिया वाले के डेरावा बताई दे रे लगुरी नाना दी, गीत के लाइन रहल लेकिन वह विकास पापी नीच कमीना
मानस को समझाते हुए कहता रे है मानस ओकरे में का रखल है, छोड़ दे पवित्रा को भूल जा। वैसन न पता कितनी पवित्र आई है और जई है, वो बच्चलन थी। कहता है क्या, गोरी गई दूसरा के संगवा, गोरी गई दूसरा के संगवा, सदियारा चलाए मीतवा, संगवा सदियारा चलाए मीतवा। क्यों रोता है बेवकूफ, तेरा भाग्य तेरी किस्मत चमक गई, वो तेरे को छोड़ के चली गई। धन भाग्य की भागी गई तो हर खुलल तक धीरिया हो, बाबू ये भैया विकास इतना ही मानस से कह पाया है। तब तक वो छोटका देवर पवित्रा का छोटा देवर मानस का भाई आदित्य आ गया। आदित्य आगल आके कहलस, अरे विकास चुप हो जाओ, बंद कर लो अपनी जुबान, मेरे पवित्रा भाभी के जैसा पवित्र कोई नहीं होगा। भैया आज हम तो के बता देहल चाहत है कि हम इतना दलदल में फंस गलली है, नशे के लत में मैं इतना चूर था, इतने दलदल में फंस गया था कि आज मैं आपके पास न होता, आपके घर में न होता, अगर भाभी न होती तो। वो विकास इतना भर दिले रल मानस के, क्या मानस पूरा गहना जितना सब सामान रहल सब चीज लेके वह भगी है, तो वह कहीं भग गई होगी, मतलब इतनी बात भर दे ले रहे मानस के दिमाग में कि मानस का दिमाग पूरा हैंग कर गया था। लेकिन जौने समय आदित्य आयल है कहला से, भैया ना भाभी सारा गहना हमार कर्जा चुकावे में बेचवा देली, कि ले जाओ बेच करके अपना सारा कर्जा चुका देना। हम विश्वास ना कर सकेला कि भाभी तोके छोड़ के कहीं जा सकेली, मेरी पवित्रा भाभी पवित्र है और आज भी अगर कहीं होंगी तो पवित्र होंगी। ए बाबू जोने समय इतनी बतिया मानस सुन ले हुन उनके और जान आ गई शरीर में, जैसे बिरहा में गीत लगल मस्त साहब। लतिया बाल मुआ दिखले गारी, कौनो मेहरारू अपने मोरत का शिकायत करत थी, अपना सखी से यह करत थिया। लतिया बाल मुआ दिखले गारी तरकारी बिना, लतिया बाल मुआ दिखले
इधर सारी बतिया आदित्य मानस से बताता है, उधर एक हालात का मारा हुआ आशिक कोठे पर पहुंचा है पवित्रा के पास में अपनी प्यास को बुझाने के लिए। लेकिन जो उन्हें समय वहां पहुंचल है, हर ग्राहक के तरह उस ग्राहक के पास भी पवित्रा रो रो के एक बात कहती है कि मैं कोई धंधे वाली नहीं हूं, मैं एक पवित्र पति की पवित्र पत्नी हूं। तो ऐसा हाथ जोड़ के आपसे हमार विनती है कि हमारे सैया के फोन लगा देता, हमके वहां तक पहुंचावे का काम कर देता। ए बाबू वह हमदर्द फोन लगाता है, जौने समय फोनवा लगल हो बाबू आवाज आई है, मानस फोन उठाया है, तुरंत फोन पर पवित्रा जल्दबाजी में स्थान का पता बताती है कि भीमा नगर बिल्ला हाउस है अक्ता का विद्यालय, उसी विद्यालय में मैं कैद हूँ, ऐसे यहाँ हमके बचा ला। इतना ही बोल पाई है फोन कट हो गया। उस समय भैल का कहता कैसे आशिक पवित्रा प्यास बुझाई हो मुरझाई कैले मुरझाई कहले पवित्रा के पास में पहुंचता है अपनी प्यास को बुझाने के बाद, सारी बात को सुना है। अजब ने समझ सुनलस, कहने लगा है पवित्रा मैं भी हालात का मारा हूं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तुरंत फोन लगाया है, सारी बात को पवित्रा मानस से बताती है कि ये सैया अगर हमार जिंदगी चाहत हुआ हमके चाहत हुआ तो भीमा नगर में बिल्ला हाउस है अक्ता का विद्यालय, उसी विद्यालय के पास में आप आ जाइए। उस समय तैयारी बना लिया, तुरंत दरोगा जी के फोन कर दिलस, वह पुलिस फोर्स लेकर के भीमा नगर में अक्ता के विद्यालय को चारों तरफ से घिरवा लिए सादा ड्रेस में जाके। इधर ग्राहक का रूप बना के भेष बना के जान गया कि अगर मैं इस तरह जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मानस एक ग्राहक के रूप में अक्ता के पास में पहुंचल है, जो उन्हें समय अक्ता के पास में पहुंचल मास्टर साहब पहपट के भाव दिहल गई राह में। अरे सुन के आवाज मुहे करे जाई पाई पतवा हो, सुन के आवाज मुहे करे जाई पाई पतवा हो, लंका से सीता का होई विदाई पाई पतवा हो। जा करके दरोगा जी के सामने मानस कहता है कि ये साहब पवित्रा का पता चल गया है और आप अपनी पूरी टीम को लेकर के सादे ड्रेस में वहां पर पहुंचने की तैयारी करिए, हम एक ग्राहक बन के वहां कोठे पर जाएंगे और पता लगाएंगे कि पवित्रा है कहां,
कौन से कमरे में? अब इधर नोटों को गड्डी लेके मानस अक्ता के कोठे पर पहुंचा है और इधर पुलिस वाले सब सिविल ड्रेस में झा करके चारों तरफ कोठा के घेर ले हूं। जब वहां पहुंचल तो कहता है जवन तोहरे पास बहुत बढ़िया माल होके, अक्ता से जाके कहला जवन तोहरी पास बढ़िया और नीमन माल होके, वही से हमारा मुलाकात करवा दा। अक्ता सोच गई कि पवित्रा से सुंदर और बढ़िया तो कोई नहीं हमारे कोठे पर। उस समय नोटों की गड्डी सामने अक्ता के रख देता है, जितना रुपया चाहिए ले लो, लेकिन हमें लड़की सुंदर चाहिए। आए है रे बाबू, आज जब नोटवा के गड्डिया देख ले, उस समय भैलका मास्टर आल्हा के भाव लगल। और ग्राहक बन के मानस गई ले अखता के अगवाए भैया, जिस समय वह मानस पहुंचा है, अक्ता मुलाकात करवाती है गेट पर, दरवाजे पर ले जाके पहुंचा देती है कि ऐसे बढ़िया लड़की से बढ़िया नई माल है, अभी हमारे कोठे पर आई है, इससे बढ़िया माल नहीं है कोई। आए हाय रे बाबू, मानस पवित्रा के देखले हुन, आंख से आंसू चले लगल झरझर झरझर, मुंह से कोनो बात नहीं आवा था, जाके दौड़ के बाहर अखबारी को पकड़ लेलन अपनी बाहों में। जिस समय पवित्रा को भरा है वह मानस, जैसे समझ में आवा था दोनों एक दूसरे से ऐसे जकड़े हैं, ऐसे लिपटे हैं कि जैसे बरसों बरसों से दूरी हो। ए बाबू, रो के पवित्रा को लसे सैया, हम तोरे लायक ना ही। तब तक इधर अक्ता का निगाह पहुंचल बा, जौने समाप्ता का निगाह पहुंचल, खींच लेती है दोनों को, एक दूसरे से अलग कर देती है, थप्पड़ खींच के मारने चली है। तब तक पुलिस चारों तरफ से घेर ले लस। जब पुलिस चारों तरफ से घेर ले है, तब तक भैल का हालत देखी अक्ता बोली दुनहुन के पकड़ा बाबू, पवित्रा कहे गाना वाला
दरोगा साहब का इशारा हुआ, चारों तरफ से घेर लिए जितने भी अक्ता के अड्डे पर धंधा करे वाली रही सब लोग पकड़ल गई। अक्ता का अड्डा सीज कर दिया गया। अब इधर पवित्रा मानस के अपना बदनिया से ढकेल देलस, कहलस ये सैया हम तोरे लायक नहीं है, हम तोरे लायक नहीं है। ए बाबू जौने समय इतना बतिया वो मानस सुन ले हो, आंख से आंसू चलत है। आय पवित्रा तुम्हारा शरीर गंदा किए हैं ये सब नीच पापी, न कि तुम गंदी हुई हो, न कि तुम्हारा मन गंदा है, तुम वही पवित्रा हो जो पहले थी, तो हमारे बदे वैसे ही पवित्र हो। सारी बात पवित्रा बताती है, मुझे कोठे पर ला करके बेचने वाला आपका दोस्त विकास है। जब विकास के पकड़ल गई चारों तरफ से दौड़ा के पुलिस वाले विकास के जौने समय पकड़ ले हुन पूछताछ होवे लगल, तो विकास सच्चाई को बताया है कि साहब हमें ही खातिर पवित्रा के कोठा पर ले जाके बेचली कि हमसे शादी हो वाली रहे पवित्रा का। लेकिन यह पवित्रा इतनी घमंडी लड़की थी कि शादी से इनकार कर देलस। हम जेके इतना प्यार करत रही हमरे सामने दूसरे को हो गई, हम कैसे बर्दाश्त कर सकीला। इसीलिए मैंने पवित्रा को ले जा करके कोठे पर बेच दिया। मानस पवित्रा से बोली ये समाज हमें नहीं अपनाएगा, माँ बाप नाप नहीं है। लेकिन मानस कहता है पवित्रा तुम मेरी हो, मेरी रहोगी, मेरे लिए कल भी पवित्र थी और आज भी हो। और फिर से मानस सिंदूर मांग में भरता है, पवित्रा के मांग में सिंदूर भर के दुल्हन बना के दोबारा से अपन मेहरारू बना के घर में लेके गया है। सब लोग अपनाए हैं, विरह के आखिरी भाव में लिखल गई तो दो जिस्म एक जान भा लगा के गरबा, तो दो जिस्म एक जान भाए और लगा के गरबा, लाखों भवरच में कलिया हो जाला हरवा। विकास को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल के अंदर होके पहुंचा दिल गई जहां उनकर स्थान रहे। धोखेबाजी कामी गई ले जेलवा थुराई, अरे कैला अगुआनी फिर से बाबू माई भाई, तये परीक्षा में पास भए सिंदूर के धारवा, तल्ला को भावरा चुमे कलिया हो जाला हरवा। यही से हमरे विरह का कहानी समाप्त भइल। बताया गया कि यही से सिंदूर का जीत भइल, विरह का कहानी समाप्त भइल। आखिरी भाव में खानदान का परिचय बतावल गई। गुरु बिहारी गुरपत्तू कहे सिंदूर फिर मुस्काया, अरे कायम करना यार भरोसा, अरे जुर्मो का हो सफाया। अरे बेसाले की बेदी पर चढ़ गई, हो बेसाले के बेदी पर चढ़ गई, अनीता या भी राम सब मारल जय है भेद।